नमस्कार दोस्तों, अगली खबर आ रही है सुल्तानपुर से, जहां नसीर शहीद क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि इमरान प्रताप गढ़ी, क्रिकेट के आड़ में सांसद स्मृति ईरानी, सांसद मेनका गांधी को बनाया निशाना। सुल्तानपुर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के इटकौली में कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी का जोरदार स्वागत। वार्ड नंबर 20 के जिला पंचायत प्रत्याशी रब्बन हाशमी द्वारा नसीर शहीद क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि और देश के प्रख्यात शायर इमरान प्रताप गढ़ी ने क्रिकेट प्रतियोगिता की आड़ में किसानों के काले कानून के विरोध में कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने अपनी शायरी के जरिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। प्रशासन कहीं दिखा नहीं, कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने सांसद स्मृति ईरानी पर भी और मेनका गांधी को भी निशाना बनाया, और सुल्तानपुर प्रशासन पूरी तरह से बेखौफ, नहीं दिखा कोई असर। इस कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश सचिव, जिला समन्वयक अनिश सामद, जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा, पूर्व प्रदेश महासचिव राहुल त्रिपाठी, इंतजार अहमद, पिंटू युवा, वरुण मिश्रा, शकील अंसारी आदि। सलीम अहमद की खास रिपोर्ट सुल्तानपुर से, न्यूज 24 HD के। मैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन में हाजिर हुआ हूं, और मैंने अपने भाषण में भी ये बात कही कि खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो इस नफरत वाले माहौल में दिलों को एकजुट करने का काम कर रहा है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रतियोगिताएं क्रिकेट की या और भी जो खेल है उनकी, अगर ग्रामीण स्तर पे हो रही है, आयोजित हो रही है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इस तरह की प्रतियोगिताएं लगातार होती रहनी चाहिए, और जहां भी मुझे इस तरह की प्रतियोगिता में बुलाया जाता है, मैं कोशिश करता हूं कि पहुंचूं। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है, क्या आपकी पार्टी वहां पे उम्मीदवार उतारेगी? बिल्कुल, हमारी पार्टी ने पिछली बार भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था, और हमारा वहां लेफ्ट से गठबंधन है, और हम बहुत मजबूती से पश्चिम बंगाल में चुनाव। क्या आप EVM का जो सपोर्ट करते हैं? नहीं, आपका सवाल क्या है? EVM का? EVM जी नहीं, EVM, क्या आप EVM पे भरोसा करते हैं? देखिए, इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे EVM पे भरोसा नहीं है, उसका भरोसा टूटा है। चुनाव आयोग से लगातार लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद हैरत में हूँ कि चुनाव आयोग इस तरह की कई क्षेत्रीय बड़ी पार्टियों की डिमांड को भी नजरअंदाज करता है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस भ्रम को दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें हैं जिन्होंने EVM को नकारा है, बड़े लोकतंत्रों ने EVM को नकारा है। तो ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकते। मैं अपील करूंगा भारत के निर्वाचन आयोग से कि अगर वो बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो जनता का विश्वास शायद लोकतंत्र में ज्यादा अच्छे से बहाल हो। आपको चुनाव बहिष्कार करना चाहिए ना, क्योंकि आप अगर हार जाएंगे तो कहेंगे EVM की गलती है। ये ऐसी प्रक्रिया है देश में चुनाव की, जिसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को एक झटके में ऐसे नहीं कह सकता कि हम बहिष्कार कर दे रहे हैं। एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में, अपनी बात रखने का एक तरीका है। पार्टियां अपनी बात जाके रख रही हैं चुनाव आयोग के पास, हालांकि चुनाव आयोग लगातार, तमाम संस्थान इस समय दबाव में है, वो चाहे जितने भी संस्थान जिन पे इस देश का भरोसा रहा है, वो भरोसा पिछले साल, दो साल, तीन साल में टूटा है। तो चुनाव आयोग को अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए खुद सोचना चाहिए, इससे पहले कि जनता या फिर राजनीतिक दल चुनाव का बहिष्कार करना शुरू करे। धन्यवाद।